इन बच्चों, जेएमएस स्टार पब्लिक स्कूल हचलपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बीबीटी गैस पेपर के वास्तविक संख्या के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 40 नंबर से हल करूंगा। ध्यान से देखें, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इसे समझें, क्योंकि 80% बच्चे बीबीटी गैस पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाते हैं। इसलिए मैं इसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि आप कैसे समझेंगे कि यह सही है या नहीं। तो 46 नंबर सवाल है, 3 × 27 पर पावर रेकडिंग दिया हुआ है, रेखा कोष्ठ। तो ये निश्चित रूप में 4 ऑप्शन, एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो आप समझिए इसको एक हल के माध्यम से कि 3.27 पर पावर रेकडिंग है। अगर ये रेकडिंग दिया रहे या 7.0 दिया रहे, इसका अर्थ ही होता है। इस तरह का दशमलव प्रसार अशांत होता है और अशांत दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या होता है? परिमेय संख्या। शांत दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या होता है, अशांत भी परिमेय। इसलिए हम लोग इसको आंसर नंबर बी राइट मानेंगे, एक परिमेय संख्या। आगे चलेंगे, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन है शांत, अशांत, आवृत्ति, कोई नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6/15 है क्या। तो 6/15 जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, देखिए 6/15, 6/15 हम लोग दशमलव प्रसार में जानते हैं, यदि हारों का अभाज्य गुणनखंड, हारों का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। 2 या 5 के अतिरिक्त कोई संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो अभी 6/15 है, 15 का हम गुणनखंड करेंगे, 3 × 5 = 15, आप लोग जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 3 × 5 = 15। तो निश्चित रूप में यहाँ 3 × 5 = 15, तो आप कहेंगे कि सर 5 है, 3 आ गया, अतिरिक्त संख्या अशांत होगा। नहीं, ऊपर भी टेली करेंगे, ऊपर में 6 है, अगर इससे कट जाता है 3 × 2 = 6, तो 2/ कितना बचेगा, 5, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। इसलिए हमेशा हारों का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ऊपर अगर कटता है तो कटा के चेक करेंगे, अगर नहीं कटता है तब अगर ऐसा आएगा तो हम अशांत कहेंगे। लेकिन अभी ये 3 से 3 × 6 कट गया, अर्थात ये हमारा अब क्या बच गया, हारों में 5 बच गया, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब 47 नंबर का आंसर नंबर ए राइट है। समझ गया आप किस प्रकार से शांत हुआ। 48 का निम्न में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप सबों को कई बार बता दिए, अभाज्य संख्या 2 से 1 और ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, ठीक है, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं से कटे वो अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या 2 से 2, 3, 5, 7 और 11, 13 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो जरा सा देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, 8 तो अभाज्य संख्या है, 9 3 से भाग लग जाएगा इसमें, 11, 15, 15 × 3 = 15, लेकिन ये 11 आंसर राइट है। निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है, यानी परिमेय नहीं दिखाना, क्या दिखाना, अपरिमेय। तो हम चेक करेंगे कि √36/64 है, 36 का वर्गमूल हो जाता है 6×6 = 36 और 64 × 8 = 64, इसका मतलब इसका रूट हट जाएगा हल करने के बाद, ये इसका परिमेय हो जाएगा, हमको देना क्या अपरिमेय। चलिए आते हैं 1/81 में, 1 का वर्गमूल 1, 81 का 9 * 81, अर्थात ये भी परिमेय है, रूट हट जाएगा। इस पर आ जाएं सी में, तो यहाँ पर √3 है 5। अब देखिए 3 का भी वर्गमूल नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा, निश्चित रूप में यही आंसर होगा। आगे चेक कर सकते हैं, 9 का तो रूट है नहीं, 49 का 7 होगा, निश्चित रूप में एक ही आंसर वही दिया हुआ रहेगा जो मांग रहा है, अर्थात आंसर नंबर सी हम इसी तरह निकालेंगे। 50 नंबर में कहता है 4 − √3 है। देखिए हम पहले बताएं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, चाहे इसके साथ जोड़िए, घटाम लिखिए, गुणाम लिखिए, ये अपरिमेय ही होगा, एकदम आंसर नंबर बी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, कई लोग किस बहुत तरह से बताएं इसे, मैं आपको बताता हूँ। कहता है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, इसका शॉर्ट नियम है 2 × 2.5 कर दीजिए, अपरिमेय के लिए इस पर क्या रूट चढ़ा दीजिए। अगर आप
रूट हट गया तो परिमेय हो जाएगा, नहीं हटा तो क्या हो जाएगा, तो 25 गुना दो करेंगे तो 50, एक अंक के बाद आपका क्या 25 गुना दो करेंगे 50, एक अंक के बाद क्या आ जाता है आपका दशमलव, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। चलिए अपरिमेय है, अपरिमेय ही मांगा है तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में 5 अंडर रूट 5 है कि नहीं, अंडर रूट 5 बी नंबर में एकदम आंसर राइट है। अब यहाँ 52 नंबर में कहता है 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम मोसो, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 6x पर पावर 4y, फिर आपका दूसरा दिया हुआ है क्या 12xy, तो 12xy चलिए इसका खंड करते हैं तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और x को कितनी बार अधिकतम लिख सकते हैं 4 बार, चूँकि इस पर पावर कितना है 4 और y लिखा चला जाएगा, और इसमें आएंगे इसका खंड 2 × 4 = 12, 12 खंड हो गया गुना x गुना y, तो हमको क्या निकालने कहा है बच्चों HCF महत्तम, HCF क्या होता है दोनों में जो मिले, तो दोनों में 2 मिल गया लिख लिए, 3 यहाँ पर 2 इस 2 का जोड़ा ऊपर में नहीं है, ये 3 यहाँ पर आपका मिल रहा है दिखता होगा तो 3 लिख लिए। अब चलिए संख्या तो मिलने वाला है नहीं, तो x का देखते हैं कि x यहाँ 1x है और यहाँ 1x है तो 1x हम लोग लिख लेंगे, और x के नीचे है ही नहीं, y देखें यहाँ 1y है 1y है तो क्या लिख लेंगे y, गुना कीजिए 2 × 3 = 6xy, देखिए ऑप्शन में खोजते हैं 6xy है कि नहीं, तो चलिए 6xy आंसर नंबर डी राइट है। अब कहता है 53 में 64 के वर्गमूल, चलिए 64 के वर्गमूल देखते हैं, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, आप सभी जल्दीबाजी में करें, 64 का वर्गमूल जानते हैं कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64, 8, और 64 का घनमूल करेंगे तो 4 × 16 = 64 4 होगा। आप देखें वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं, ठीक है, देखिए वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं, 64 है तो इसको खंड करें 8 × 8, ऐसे मिनिमम खंड भी होगा तो 2 के बदले 1 लिख लिए 8 लिख लिए, और 64 का घनमूल के लिए क्या होता है 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64, 3 के बदले 1 लिया जाता है अगर घनमूल आप बनाए हैं तो आप जो है कि नहीं बनाए तो घनमूल पहले सीख लीजिएगा 4 × 4। अब कहता है यहाँ पर कि 64 के घनमूल को 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है तो 64 का वर्गमूल मेरा कितना निकल गया 8, और 64 का घनमूल कहा है घनमूल कितना निकल गया 4 भाग देना है तो 4 × 4 = 8 अर्थात 2/1, तो 1 तो नहीं लिखा तो 2, चलिए ऑप्शन खोजते हैं कि 2 है कि नहीं, 64 आंसर नंबर बी इज राइट, 2 आंसर हो गया। अब है √10 × √15 यानी 54 नंबर, देखिए ध्यान से देखिए 54 नंबर में क्या कहता है कि √10, अब √10 क्या है 10 × √15, कहता है इसमें इसका गुणनफल होगा नज़र पड़ता होगा इसका गुणनफल होगा 5 √6 6 √5 30 यानी √30 √25 है, तो पहले हम गुना करके देखेंगे तो डायरेक्ट लंबा गुना नहीं करेंगे, इसका गुणज करेंगे 2 × 5 = 10 आप सबों को पता होगा, 3 का करेंगे 3 × 5 = 15, देखिए तो जिसका जोड़ा लग जाए वो बाहर आ जाता है रूट से, आ गया अब रूट से बाहर आ गया 5, अब 2 और 3 का जोड़ा नहीं लगा था 2 × 3 यहाँ लिख दीजिए 5 √3 × 4 तो 5 √ कितना हो गया 6, देखिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा आंसर नंबर ए इज राइट। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो, बहुत आसान है, अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 16, 20 और क्या दिया हुआ है 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, तो जब 16 और 20 का 24 का एलसीएम निकालेंगे 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 20, 12 × 2 = 24, फिर 2 से कटेगा
दो चौके आठ, दो पंचे दस, दो छक बारह, फिर दो से कटाएंगे, दो दुना चार, पाँच दुतिया छः। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो दो गुना दो गुना दो, तीन गुना दो गुना पाँच गुना तीन। अभी देखिए हमको क्या कहा गया, इसको सबको गुना, दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, सोलह पंच अस्सी, अस्सी को तीन से गुना कीजिएगा तो 240 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं, देखिए इसमें बहुत 240 है, आप इसको मार दीजिएगा। लेकिन नहीं, ये 240 तो मेरा एलसीएम निकला। कह क्या रहा है, प्रत्येक से भाज हो और यहाँ कर पूर्ण वर्ग संख्या हो। कैसी संख्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या। तो 240 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। इसका मतलब कहीं त्रुटि है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे, दो का जोड़ा लगा हुआ है और ये दो का जोड़ा लगा हुआ पूर्ण वर्ग के लिए जोड़ा संख्या होनी थी। पाँच अकेला है और तीन अकेला है। ध्यान दीजिएगा इस बातों पर, बहुत वाइटल बात है ये। यहाँ पर कैसे निकालेंगे? पूर्ण वर्ग मांग रहा है, एलसीएम मांगता 40 लिए पूर्ण वर्ग। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो पूरा नहीं, तो कमी क्या रह गया? जब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक पाँच चाहिए और एक तीन चाहिए, इसलिए इसको पाँच और तीन से गुना कर देंगे। जब पाँच से गुना करें तो पाँच जीरो जीरो, पाँच चौक बीस के जीरो हासिल ला दो, पाँच दस दो कितना हो जाएगा 12, गुना बचा कितना 3, 12 तिया 36, यानी 3600 होगा, ना कि 240। जबकि ऑप्शन में देखिए 240 भी दिया हुआ है आपका, है ना? लेकिन यानी क्या होगा? 36 आंसर नंबर डी राइट है, 3600 होगा। ध्यान देंगे सवाल पर तब बनाएंगे। फिर कहता है यदि प्रथम 13986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 6, 4, 8 कोई नहीं। तो आंसर आपका बीबीडी में कोई नहीं दिया है। जरा हम लोग इसको थोड़ा सा समझ करके के देखें कि आखिर ऐसा क्यों दिया है। तो हमारे पास संख्या है 13986। देखिए 13986 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? 13986 अभाज्य संख्या है। और हम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? दो से। दो तीन चार, सॉरी, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह डॉट डॉट डॉट। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी हैं ये सब विषम है। और आपको पता होगा कि सिर्फ दो एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या, बाकी सारी संख्याएं विषम होती है। तो मान ली 13986 में एक संख्या हटा दीजिए तो 13900 कितना बचेगा? 85। अब यहाँ पर कह रहा है कि इतना अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, n हमेशा भाज्य होगा। तो ये हमारा विषम संख्या है तो विषम से ही ना भाग लग सकता है। यहाँ पर दिया है कितना? सम। तो निश्चित रूपेण 6 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 8 सम संख्या है। इसका मतलब यह सभी संख्या से भाग नहीं होगा, इसलिए आंसर नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। बाकी इसका डिटेल्स आप अगले वीडियो में देख लेंगे, आखिर होगा तो क्यों नहीं। लेकिन इसका आंसर इसलिए हुआ कि यह सब हमारा सम दिया हुआ है और 6 अभाज्य संख्या है ही नहीं, 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं, 8 अभाज्य संख्या है ही नहीं। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे सवाल नंबर 57 में है, कह रहा है 57 में के 0.32 पर पावर रेकर्डिंग है। मैंने कई बार बताया पावर अगर जीरो, पहले जीरो रहे पावर में जितना भी रहे, तीन अंक रहे तो तीन नौ दीजिए, दो अंक रहे दो नौ दे दीजिए, अर्थात 32/99 हो जाएगा। ऑप्शन खोजिए, 32/99 है कहीं? 32/19 है, ये आंसर नंबर सी इज राइट। चलिए आगे हल करता हूँ मैं। इसके आगे मेरे पास सवाल है, सवाल नंबर 58 में कहता है 23। फिर यहाँ पर रेकर्डिंग की बात आ गई। आप कहिएगा कि सर अब तक तो आप जीरो वाला बताए हैं, यहाँ पर सवाल है मेरा कितना दिया हुआ है? 58 नंबर में दिया हुआ है 23.43। इसका पी बटे क्यू का रूप मांग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेकर्डिंग इस पर है। अगर इस तरह का रहे तो आप शॉर्ट में सीख लीजिए आज हमसे, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 23.43 लिखेंगे और दशमलव के बाद दो अंक पर रेकर्डिंग था तो 2 ही 9 लिखेंगे। लेकिन क्या दशमलव के पहले मेरा 23 था, इसलिए इसमें 23 घटा देंगे।
तब हमारा शॉर्ट में निकलेगा। आप ये घटाइए, तीन में तीन जाए कितना बचेगा जीरो, और चार में दो गया कितना बचेगा दो, और 23/99 हो जाएगा। 2300/99 2320/, चलिए ऑप्शन खोजते हैं, 2320/99 आंसर नंबर ए फर्स्ट ही मिल गया। हमको एक ही आंसर ढूंढना है, इसलिए आंसर नंबर ए राइट। अब कहता है 59 में दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या, देखिए एक संख्या कितना दिया 200, हम लोग कहेंगे माना दूसरी संख्या x, जो कहा है वो हमने x मान लिया, ठीक, दूसरी संख्या को क्या मान लिया x। अब एक संख्या दिया हुआ है मेरा, एक संख्या कितना है 280, हमको ये दूसरा निकालना, कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समय, लघुत्तम समावर्तक मतलब होता है एल सी एम, लघुत्तम समावर्तक मतलब एल सी एम बराबर, कह रहा है समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का, महत्तम समावर्तक का मतलब हो गया एच सी एफ का 14 गुना, इसलिए इसको 14 से गुना कर दीजिए, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या इसको लिख सकते हैं आप, एल सी एम बराबर 14 एच सी एफ, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 600 है, तो चलिए फटाक से जोड़िए, इसलिए एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर जोड़ 600, तो एलसीएम बराबर यहाँ पर निकाले हैं 14 एचसीएफ, तो जहाँ एलसीएम है वहाँ क्या लिख देंगे 14 एचसीएफ लिख देंगे, प्लस ये एचसीएफ हो जाएगा मेरा, बराबर कितना हो जाएगा 600, तो 14 एचसीएफ और एक एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब एक एचसीएफ यहाँ पर, तो 14 ये कितना होगा 15 एचसीएफ जोड़ में है, बटे क्या हो जाएगा बराबर 600, एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका कितना 600, एक गुना में किस में आएगा भागा में, कट जाएगा 15 × 60 यानी 40, अर्थात देख लीजिए एचसीएफ निकल गया कितना आपका 40। अब हमको पहले क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम हमारा दिया हुआ है 14 गुना एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ निकला 40, इसको गुना कर दीजिए 14 से, तो क्या हो जाएगा 14 से गुना कर दीजिए इसको, 14 × 56 560 एलसीएम भी निकल गया एचसीएफ भी। अब हमको निकालना है कि दूसरी संख्या, तो एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या क्या माने एक्स बराबर, आप सबों को याद है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, तो एलसीएम 560 गुना एचसीएफ कितना है 40 है, गुना कर दीजिए, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 560 गुना 40, एक गुना में 280 किस में आएगा भाग में, 100 × 100 कटे 28 × 56 एक्स बराबर 40 × 80, दूसरी संख्या कितना दिख रहा है 80, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, चलिए हम दिखाते हैं ऑप्शन में 80 है कि ना, 80 है आंसर नंबर बी जे राइट, 80 है दिया हुआ है। अब आपको 60 का एक्स पर एन प्लस वन का एक गुणक एक्स प्लस वन है, तो एन निश्चित रूप से है एक विषम संख्या, एक सम संख्या पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, आप समझ जाएंगे कि ये क्या करें, लेकिन वन है ये निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक ही होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसमें, मान लीजिए एक्स पर पावर एन प्लस वन, इसको भाग देना एक्स प्लस वन से, अगर एन का मान हम एक रख लें तो एक विषम संख्या, एक कैसी संख्या है विषम संख्या है ना, तो एक्स पावर वन अब प्लस क्या हो जाएगा वन, नीचे एक्स प्लस कितना हो जाएगा वन, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा एक, एक तो विषम संख्या आ गया, देख रहे हैं और कट भी गया। एक्स का मान अगर दो रख लेते हैं, एन का मान सॉरी एन का मान दो रखते हैं, तो इस पर एक्स पर पावर कितना हो जाएगा दो, अब प्लस वन बटे एक्स प्लस वन, कटेगा क्या नहीं कटा, यानी इसका शेषफल शून्य नहीं हुआ है, कटा ही नहीं, सम था तो कटा नहीं, विषम से कट गया। फिर एक्स के बराबर अगर तीन रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पर पावर तीन, अब प्लस कितना हो जाएगा वन, अब बटे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, इसको एक क्यू ए प्लस बी का हल के ऊपर तोड़िएगा तो इसका शेषफल जीरो हो जाता है, आप करके देखिएगा, अर्थात यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये सम नहीं, ये क्या होगा विषम ही होगा, इसलिए 60 नंबर का हम एक विषम पूर्णांक ही समझेंगे और बनाएंगे। 2018 के एनुअल में पूछा हुआ भी सवाल है, आगे का सवाल को मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। जय हिंद।